नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडको हेल्थ केयर पर। आज इस वीडियो में हम आपको आभा कार्ड, ई श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बारे में बताएंगे और इनके मुख्य अंतर भी आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे आभा कार्ड। आभा कार्ड एक ऐसी सरकारी योजना है जो वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए होती है। इस योजना के तहत विकलांग और वृद्ध लोग अनेक सुविधाएं पा सकते हैं, जैसे आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा। याद रखिए, आभा कार्ड सिर्फ और सिर्फ विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए ही होता है और वही लोग इनकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति ना तो आभा कार्ड बनवा सकता है, ना ही इनकी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड की। ई श्रम एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं प्रदान करता है। इस कार्ड से डॉक्यूमेंटेशन, पेंशन डिटेल्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये कार्ड सिर्फ वर्कर्स या कर्मचारियों के लिए होता है, जहां पर उनकी सारी जानकारी होती है, जैसे पेंशन और डॉक्यूमेंट डिटेल्स। और आखिर में हम बात करेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान योजना एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत आप एकदम मुफ्त ऑपरेशन या सर्जरी करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से आपके पूरे परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन इसमें नाम चेक करवाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें। लेकिन याद रखिए, आयुष्मान कार्ड में केवल और केवल ऑपरेशन और सर्जरी ही मुफ्त में कवर। इसके अलावा डॉक्टर को दिखाना और जांचें ये आयुष्मान योजना में कवर नहीं होते। लेकिन अगर आप मेडको द्वारा आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराते हैं तो आपको अनेक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे डॉक्टर को दिखाना एकदम मुफ्त, जांच में 50% तक की छूट और मेडको साथी की मदद से एक आसान इलाज। हम आशा करते हैं सरकार की 3 बड़ी योजनाओं के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।